हेलो क्लास 10th, इट्स वैशाली अगी हेयर. वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद द चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 7.2. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन 5 क्वेश्चंस, नाउ वी आर कमिंग टू द 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन में है, इफ़ 1, 2, 4y, x6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर. ये ध्यान रखना है आपको, इसको ऑर्डर में ही लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है. तो मैंने फिगर बनाई है, जैसे उसने बोला पहले को ए नाम लिया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, चारों को ये नाम दे दिए. और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई, राइट. तो एक्स और वाई, यू नो कि डायगनल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. अगर डायगनल बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स ओ क्या है, मिड पॉइंट. ओ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी. ए सी का मिड पॉइंट है ओ और बी डी का मिड पॉइंट है ओ. तो ओ क्या होगा, यहाँ से देखो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 + x/2 और इधर से 2 + 6/2. यानी अलॉन्ग ए सी निकाला पहले तो ये आ गया, अब अलॉन्ग बी डी निकाल रहे हैं, 4 + 3/2 एंड y + 5/2. अब आपको पता है ओ तो दोनों का ही मिड पॉइंट है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को इसके कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर सकती हूँ, x को x से और y को y से. यानी 1 + x/2 = 3 + 4 7/2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू, ये 1 वहाँ जाके माइनस हो गया तो 6 आ गया. सिमिलरली 2 + 6/2 इज इक्वल टू 5 + y/2, 2 + 6 कितना होता है 8, 8/2, 2 से 2 कैंसिल, ये y यहीं रहा, 5 वहाँ जाके माइनस हो गया तो आंसर आ गया 3. तो x और y की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, जो हमने निकाल दी है, आंसर है 6 and 3 y. नेक्स्ट वी आर कॉन्टिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सर्कल की डायमीटर ए बी है, उसके एक साइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बी, बट ए गिवन नहीं है, और सेंटर भी गिवन है उसका 2 - 3 है. तो फिगर कैसे होगी, सेंटर जो है 2 - 3 है, बी पता है 1, 4 है, बट ए गिवन नहीं है एक्स वाई. तो आपको पता है जो सेंटर है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स मान लिए ए के एक्स वाई है और ओ मिड पॉइंट है ए बी का, क्योंकि सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, x + 1/2 = 2. सिमिलरली y + 4/2 = -3. y कोऑर्डिनेट को y से कंपेयर किया और x को x से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 2 जब 4 आ गया और 1 वहाँ जाके माइनस हो गया, x = 3 आ गया. और यहाँ पर 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 और 4 वहाँ जाके माइनस हो गया, y = -10. तो आंसर आ गया 3, -10. ये किसके कोऑर्डिनेट है, a के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है. नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में गिवन है आपको ए बी दो पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, और आपने एक बीच में एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और आपको गिवन है ए पी जो है 3/7 ऑफ ए बी है. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे. पहले मैंने डायग्राम लगा लिया, ए -2 - 2 और बी है 2 - 4. तो P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स वाई है. अब मुझे गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, लेकिन मुझे चाहिए क्या, AP रेशो PB, ठीक है. AB नहीं चाहिए, मैं AB को ख़त्म करती हूँ कैसे, 7 को उधर ले गए, 7 AP इज इक्वल टू 3 AB. 7 AP एज इट इज़ रहा, 3 times AB को क्या लिख सकती हूँ, AP + PB. AB को ब्रेक कर लिया, AP + PB अकॉर्डिंग टू डायग्राम, खोला इसको, 3 AP और 3 PB, ये भी AP है, ये भी AP, इनको एक तरफ ले लिया, 7 AP - 3 AP और 3 PB यहीं रह गया, यानी आ गया 4 AP इज इक्वल टू 3 PB. मुझे यही चाहिए था AP और PB, मेरे पास AP और PB आ गए, तो AP और PB का रेशियो चाहिए, इसलिए PB को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, 3 यहाँ पर है, 4 इसके डिनोमिनेटर में, यानी AP और PB का रेशियो कितना आ गया, 3:4. अब मुझे निकालने x और y पॉइंट. x कैसे निकलेगा सेक्शन फार्मूला से, 3 × 2 एंड 4 × -2. तो x आ गया यहाँ से 6 - 4 = 8 - 8/7, दैट इज -2/7. सिमिलरली y निकालते हैं, y कैसे निकलेगा सेक्शन फार्मूला से, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया और 4 को -2 से किया, और डिनोमिनेटर में टोटल रेशियो 3 + 4 कितना आ जाएगा, 3 × -4 - 12 और 4 × 8 - 8/7, सॉल्व के -20/7, यानी x y दोनों -2/7 एंड -20/7 आ गए, राइट.